कौन थी फूलन देवी? एक अनपढ़ औरत जिसने मर्दों के वर्चस्व को चुनौती दी, गरीब तबके की औरत जिसने दौलतमंदों के दबदबे के खिलाफ बगावत की, छोटी जाति की औरत जिसने खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ बंदूक उठा ली, या आजाद भारत की सबसे दुर्दांत अपराधी जिसके सिर पर हत्या डकैती के 30 से ज्यादा केस थे? 13 साल पहले दिन दहाड़े उसका कत्ल हुआ, हालांकि उसके कातिल पर कस गया कानून का शिकंजा। लेकिन सवाल आज भी है, आखिर कौन थी फूलन देवी? 14 फरवरी 1981, इस तारीख के बाद फूलन देवी को समूचा हिंदुस्तान जान गया। इसी दिन चंबल की दसी सुंदरी के गैंग ने उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। बदनामी से बना नाम, हैरतअंगेज तरीके से फूलन देवी भारत और विश्व मीडिया में रॉबिनहुड जैसी हस्ती बन गई। अगले 2 साल पुलिस को छकाने के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। सियासत ने बदली जिंदगी, वो 11 साल जेल में रही, तब तक मंडी सियासत आ चुकी थी। 1994 में पिछड़ी जातियों की सियासत करने वाली मुलायम सरकार ने फूलन के खिलाफ सारे केस वापस ले लिए। दुनिया में मशहूर हुई बैंडिट क्वीन। फूलन की जिंदगी पर फिल्मकार शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनाई जो समूची दुनिया में सराही गई। फूलन इंटरनेशनल हस्ती बन गई। संसद में चंबल की बागी, गंदे नारे लगाते हैं, वो गंदे नारे लगाने वाले बहुत दूर भाग जाएंगे और तुम्हारे। रिहाई के 2 साल बाद 1996 में फूलन देवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव जीतकर संसद की माननीय सदस्य बन गई। दिल्ली में दसी सुंदरी का कत्ल, जिस फूलन को कभी पुलिस नहीं पकड़ सकी, वो बिहार छोड़कर शहर पहुंची तो कातिलों का आसान शिकार बन गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन का दिल्ली में दिन दहाड़े कत्ल हो गया। शेर सिंह राणा कौन? फूलन का कातिल वो शख्स निकला जिसकी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। ये शख्स था शेर सिंह राणा। फूलन का कत्ल क्यों? शेर सिंह राणा की फूलन से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो बहमई कांड का बदला लेकर ठाकुरों का बड़ा नेता बनना चाहता था। नेता बनने का अधूरा सपना। राणा ने उत्तर प्रदेश के जेवर से चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं सका। फिर तेरी कहानी याद आई। 171 गवाह, 13 साल 12 आरोपी, लंबी कानूनी लड़ाई। आखिरकार अदालत ने शेर सिंह राणा को फूलन का कातिल करार दे दिया। लोगों का कहना है कि फूलन को इंसाफ मिल गया, लेकिन जिंदगी में उसे इंसाफ मिला? जिंदगी के सारे कांटे फूलन ने खुद साफ करने की हिम्मत जगाई थी, लेकिन अब भी शहरों की झुग्गियों में, अंधेरी गलियों में, गांव के परंपरावादी समाज में, बिहड़ के खाइयों में हजारों फूलन है और है फूलन के कांटे। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। एक बार फिर फूलन की कहानी सुर्खियों में है। उसकी हत्या के 13 साल बाद शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी शेर सिंह राणा को फूलन की हत्या का दोषी करार दिया। राणा ने फूलन की हत्या से बहमई कांड का बदला लिया था। 33 साल पहले फूलन ठाकुर बिरादरी के 22 लोगों को उन्होंने मार दिया था। फूलन का यह बेरहम चेहरा था, लेकिन मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन ने उसे विश्व इतिहास की 16 विद्रोही महिलाओं में चौथे पायदान पर जगह दी। दरअसल फूलन ने कानून की हदों को जरूर तोड़ा था, लेकिन उसने दबंगों से बगावत भी की थी, जुल्म करने वाले समाज का अघोषित कानून भी तोड़ा था, और शायद यही थी असली फूलन। फूलन और उसके कातिल शेर सिंह राणा की कहानी अजीब है। गरीब तबके और निम्न जाति से आने वाली फूलन ने जुल्म के खिलाफ बगावत करके वो अपराधी बन बैठी। इस रास्ते से वो संसद तक पहुंच गई, जबकि अमीर परिवार और उच्च जाति का शेर सिंह राणा की अपराध के रास्ते से संसद तक पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई। अब उसकी पहचान सिर्फ फूलन के कातिल की है।
शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा फूलन देवी का कातिल, मकसद ठाकुरों का नेता बनना। फूलन देवी वो सिर्फ जीना चाहती थी, वो जीने के लिए डाकू बनी, पर किस्मत ने उसे नेता बना दिया। फूलन और उसके कातिल शेर सिंह राणा की ये अजीब दास्तां है। फूलन ने गरीब घर में जन्म लिया, वो पिछड़ी माने जाने वाली मल्लाह जाति से थी। वो अनपढ़ थी, उसके सामने कांटे ही कांटे थे। समाज के बिछाए कांटों के बीच फूलन ने अपने हालात और अपनी समझ के मुताबिक वो रास्ता बनाया जो उसे अपराध की दुनिया तक ले गया। झूठी केस में मुझे डकैती में फंसाया, पहले शुरू में बिल्कुल झूठी केस में, हमको पता भी नहीं था डकैत कैसे होते। दूसरी तरफ फूलन का कातिल शेर सिंह राणा है। वो रुड़की के एक अमीर परिवार का चिराग था, उसे अच्छी तालीम मिली। कहते हैं वो बहुत जहीन था, लेकिन महत्वाकांक्षा जब सनक में बदल जाती है तो जहीन भी जलालत की राह पर निकल पड़ते हैं। शेर सिंह के साथ भी यही हुआ, वो ठाकुर समाज का नेता बनना चाहता था। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने आसान रास्ता चुना। उसने बहमही गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कराने वाली फूलन का तब कत्ल कर दिया जब वो अपराध का रास्ता छोड़ चुकी थी। आखिरकार फूलन हत्याकांड के 13 साल बाद शेर सिंह राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। बहुत दिन से हम लोग उनके लिए चिंतित भी हैं और ये सब जो हो रहा है उसको लेकर हम लगातार उनके साथ टच में रहे हैं। जो अभी ये जो जुडिशियल आया है, फैसला आया है, उनका जितना भी लोगों को उन्होंने छोड़ा है, कोर्ट ने छोड़ा है, उसके लिए तो हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक शेर सिंह राणा की बात है, उन पर स्पेशली उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि भाई वो दोषी हैं, तो उसके लिए खुला है, हमारे पास ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, उनको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। फूलन की हत्या 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके सरकारी आवास के सामने कर दी गई थी। तब फूलन देवी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद थी। वो शादी करके आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर सिंह राणा उन्हें शिकार बनाकर खास बनने की जुगत में था। दरअसल राणा में बचपन से ही चर्चा में रहने का जुनून था। वो रुड़की के सेंट गैब्रियल स्कूल में हेड बॉय रहा। उसने देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। कॉलेज में ही चर्चा में आने के लिए उसने अपने फर्जी अपहरण का झूठा ड्रामा भी रचा था। फूलन की हत्या के 2 दिन बाद चर्चा में आने के इरादे से ही उसने 27 जुलाई को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरेंडर कर दिया। बेहमई कांड फूलन के गुस्से का चरम था। जहां बरसों की जलालत की वजह से सुलगता गुस्सा धमाके के साथ उबल पड़ता है। फूलन 11 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई। चंबल के भीड़ों में हजारों लड़कियों की शादी बचपन में ही हो जाती है। मर्दवादी समाज में वो खटते खटते खत्म हो जाती हैं। लेकिन फूलन को ये स्वीकार नहीं था। बेड़ियों को तोड़ने की जिद ही उसे चंबल के भीड़ों की भूल भुलैया में ले गई। यहाँ भटकते भटकते वो एक दुर्दांत अपराधी में बदल गई। चंबल के डाकू गैंग के बीच जातीय आधार पर छिड़े गैंगवार में फूलन का सरपरस्त डाकू विक्रम मल्लाह श्री राम लाला राम गैंग के हाथों मारा गया। बेमई गांव में 3 हफ्ते तक फूलन के साथ बलात्कार किया गया। फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उसने बेमई गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ जुर्म का बदला ले लिया। बदले की दास्तां का अंत फूलन के खून से हुआ जब वो अपराध का रास्ता छोड़कर नेता बन चुकी थी। 1996 और 1999 में फूलन ने 2 बार चुनाव जीता। वो गंदे नारे लगाने वाले बहुत दूर भाग जाएंगे और तुम्हारे सबके बीच में नहीं आएंगे और ना किसी तरह का शोषण होगा ना अत्याचार होगा। गांव गांव में लाइट होगी, नल होंगे, बिजली होगी। चंबल की बागी सांसद बन गई। डाकू जीवन के दौरान उसने कभी सपने में भी संसद के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसे मारने वाला शेर सिंह राणा हमेशा सांसद बनने की फिक्र में रहा। गिरफ्तारी के लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया, लेकिन 17 मई 2006 को राणा को एक बार फिर कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। अपने फरारी के दिनों के बारे में राणा ने जो खुलासा किया वो हैरत अंगेज था। राणा ने ठाकुरों के सम्मान की रक्षा के लिए फरारी के दरमियान 2005 में अफगानिस्तान के गजनी से क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने का दावा किया।
उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। जेल में रहते हुए उसने उत्तर प्रदेश के ठाकुर बाहुल जेवर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गया। वो पांचवें नंबर पर आया। कहते हैं आज भी राणा की तमन्ना है कि उसके ऊपर फिल्म बने। राणा ने जेल में रहकर एक डायरी भी लिखी है। उसे अपनी कहानी पर आज भी फिल्म निर्माता की तलाश है, जबकि पुलन की जिंदगी पर बनी बैंडेड क्वीन को समूची दुनिया में सराहा जा चुका है। पुलन देवी ने 1983 में आत्मसमर्पण किया था। वो अपने वक्त की ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इसके चंबल के बीहड़ों से डाकुओं का आतंक खत्म हो गया। लेकिन उसी बीहड़ में आज भी फूलन के डाकू बनने की कहानी सुनाई जाती है। फूलन की जिंदगी में कई बार उसके साथ जोर जबरदस्ती भी हुई, तब भी जब वो डाकू नहीं बनी थी और तब भी जब उसने बंदूक उठा ली। दरअसल फूलन को अपने उस दबंग स्वभाव की कीमत चुकानी पड़ी थी, जो जुल्म के आगे झुकना नहीं जानता था। फरवरी 1983, फूलन देवी के आत्मसमर्पण की तस्वीरें उस दौर में देशी विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियां बन गई थी। दरअसल बहमई कांड ने फूलन को उस दौर का सबसे खतरनाक अपराधी बना दिया था। लोग जानना चाहते थे कि जिस दस्यु सुंदरी ने बहमई गांव में 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया, वो कैसी दिखती है, वो इतनी बेरहम क्यों थी, आखिर कौन थी फूलन। फूलन के आत्मसमर्पण के बाद उस पर कई किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी और उनके ही जरिए सामने आई फूलन की असली कहानी। फूलन का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गुड़ा के पुरवा नाम के गांव में हुआ था। देवी दीन और मूला देवी की छोटी बेटी फूलन बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी। पिता और उसके बड़े भाई के संयुक्त परिवार के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन ही थी। फूलन का पहला विद्रोह यहीं से शुरू हुआ, जब उसने जमीन के वारिसाना हक को लेकर अपने ताऊ के परिवार से झगड़ा किया। आखिरकार परिवार ने बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव की फूलन का बाल विवाह करने का फैसला कर लिया। तंग करते, परेशान करते, तेरी लड़की मेरे को गाली दे रही थी, तेरी लड़की मुझे ऐसा कर रही थी, बहाना करके फिर मुझे मारते पीटते और मेरी माँ से भी पिटवाते, माँ से शिकायत करते कि ये तेरी लड़की कनम की मुझे पत्थर मार रही थी, मेरी माँ मुझे मार के बाहर निकालती और मेरी शादी बिल्कुल छोटे में हो गई थी, हम 11 साल के थे। फूलन का पति पुत्तीलाल फूलन से 12 साल से भी ज्यादा बड़ा था। ससुराल में भी फूलन को दबना मंजूर नहीं था। फूलन की आत्मकथा के मुताबिक उसका पति उससे मारपीट करता था। 16 साल की उम्र में फूलन अपने पति और ससुराल को छोड़कर वापस मायके लौट आई। ताऊ के परिवार से फिर झगड़े शुरू हो गए। किसी से भी ना दबने वाली फूलन अब गाँव वालों को भी अखड़ने लगी थी। घर में भी हमको चैन से नहीं रहने दिया लोगों ने। हमारे गांव का सरपंच के लड़का था, वो कह रहा था मेरी बात मान, मेरे कहने में चल, जो हम कहेंगे सो करना। और उसने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर ली। हमारे गांव 5-6 लड़कियों के पेट रह गए। बोलता था फिर बाद में हमारा नहीं है, पता नहीं किसका है। और वो भी यही चाहता था कि ऐसा हमारे संग में जे भी करे। तो हमने उसके हाथ नहीं आए, सोचने मुझे बर्बाद कर दिया। झूठी केस में मुझे डकैती में फंसाया, पहले शुरू में बिल्कुल झूठी केस में, हमको पता भी नहीं था डकैत कैसे होते। यहीं से फूलन के बागी तेवर बागियों की पनागाह कहे जाने वाले चंबल की तरफ मुड़ गए। कुछ लोगों के मुताबिक फूलन का बाबू गुर्जर डकैत गिरोह ने अपहरण कर लिया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि फूलन खुद इस गिरोह से जा मिली थी। सच जो भी हो, लेकिन यहीं पर फूलन की मुलाकात बाबू गुर्जर गैंग के दूसरे नंबर के सरदार विक्रम मल्लाह से हुई। एक दिन जब बाबू गुर्जर ने फूलन से बलात्कार की कोशिश की, तब विक्रम मल्लाह ने उसका कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। फूलन अब विक्रम मल्लाह की साथी थी, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चली। जल्दी ही बाबू गुर्जर गैंग के पुराने डकैत लाला राम और श्री राम गैंग में आ गए। इसके बाद गैंग में जातीय आधार पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई, जिसमें विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम लाला राम गैंग के कब्जे में आई फूलन पहली बार बहमई गाँव पहुँच गयी। विक्रम को मार दिया और हमको बांध के ले गए अपने साथ में गांव में, घरों में, कहीं भी। फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या क्या किया उन लोगों ने हमारे संग में। किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की है या औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, या तो वो लोग हमको मार देते
जिंदा नहीं छोड़ते, हमने कहा था उन लोगों से कि हमको मार दो, परंतु ये पता नहीं है कि हमारे संग में ये दुर्व्यवहार कौन गांव के थे, कहाँ के थे, किन्ने किया, किया जरूर है, बहुत ज़्यादा किया, परंतु ये पता नहीं है, क्योंकि हमको दिन के तो आँखों में पट्टी बांध देते थे और रात के समय जब चलते थे ना तब कितने दूर जाके पट्टी खोलते थे, बांध के ले जाते थे। बहमई गांव में पूलन के साथ 3 हफ्ते तक ज्यादती हुई, उसके साथ कई बार सामूहिक बलात्कार हुआ। एक दिन वो बहमई से कुछ लोगों की मदद से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन बदले की आग उसके दिल में सुलगती रही। आप देख रहे हैं चंबल की दस्यु सुंदरी से सांसद तक का सफर तय करने वाली फूलन देवी की कहानी। कहा जाता था कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उसका दिल। कहना नहीं होगा कि फूलन ने अपनी जिंदगी में दुनिया की जितनी क्रूर सच्चाइयों का सामना किया था वो उसकी शख्सियत का हिस्सा भी बन गई थी। डाकू जीवन में वो इतना कठोर बन गई थी कि जब उसने बहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उसे जरा भी मलाल नहीं हुआ। बहमई गांव में खुद पर हुए जुल्म के करीब 7 महीने बाद फूलन एक बार फिर लौटी। वो तारीख थी 14 फरवरी 1981, लेकिन इस बार फूलन अकेली नहीं थी, वो कमजोर भी नहीं थी, लाचार भी नहीं थी। 7 महीने पहले बहमई गांव से भागने के बाद फूलन विक्रम बल्ला गिरोह के पुराने साथी मान सिंह मल्लाह से जा मिली थी। ठाकुर बिरादरी के दबदबे वाले श्रीराम लाला राम गैंग को जवाब देने के लिए दोनों ने अब मल्लाह डकैतों का गिरोह बना दिया था। इसी गिरोह ने बहमई गांव में वो खूनी खेल अंजाम दिया जो आज भी बहमई नरसंहार के नाम से बदनाम है। हालांकि गांव में फूलन पर जुर्म ढाने वाले सिर्फ 2 लोग ही मिले थे, लेकिन उसके गैंग ने 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा कर उन्हें गोली मार दी। कानपुर देहात इलाके में हुए बहमई कांड से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी तूफान आ गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फूलन की तलाश शुरू हो गई। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश करने लगी। 1982 में यूपी सरकार ने फूलन के सिर पर ₹10,000 का इनाम भी रख दिया, मगर फूलन किसी के हाथ नहीं आई। मीडिया में फूलन की छवि अमीरों को लूटने वाले और गरीबों के मददगार रॉबिनहुड जैसी बन गई। यही वो वक्त था जब इंदिरा सरकार ने डकैत समस्या के समाधान के लिए फूलन से आत्मसमर्पण कराने का फैसला किया। अब तक कई साथियों के मारे जाने की वजह से फूलन भी कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार फांसी न देने, सुरक्षा और कम सजा की शर्त पर फूलन आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई। 12 फरवरी 1983 को फूलन, मान सिंह और उसके गिरोह ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। फूलन पर हत्या, डकैती, लूटमार जैसे 30 से ज्यादा संगीन मामलों पर मुकदमा चला। करीब 11 साल बाद 1994 में वो परोल पर बाहर आ गई। यही वो वक्त था जब पिछड़ों को लामबंद करने में लगे यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने फूलन के खिलाफ मामले वापस ले लिए। फूलन समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद भी बन गई, लेकिन उसके अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने क्षत्रिय सम्मान के नाम पर उसका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया।